दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि अगर आप कहीं पे भी किसी शॉप पे जाते हैं और किसी को आप ट्रांजैक्शन करते हैं, या आप लोग घर से ट्रांजैक्शन करते हैं, या किसी शॉप पे जाके आप लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आप लोगों ने किसी शॉप पे कुछ ख़रीदा और आप लोगों ने उसको ट्रांजैक्शन करने जाते हैं क्यू आर कोड से या मोबाइल नंबर से, तो अचानक से आपका जो इंटरनेट मतलब है बंद हो जाता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो जाता है, आपका इंटरनेट नहीं चलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोग उससे जो है कुछ आप लोग ले भी लेते हैं सामान, तो उसको आप लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से आप लोग को वापस होना पड़ता है वहाँ से। तो अब आप लोग को इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं, क्योंकि अब आप लोग बिना इंटरनेट के ही आप लोगों किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आप लोग अपने मोबाइल से बिना इंटरनेट कनेक्शन के, आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तब भी आप लोग जितना जिसको पेमेंट करना है उतना आप लोग उसको पेमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यही चीज़ जानने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, किसी को भी ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर पर डायल करना होगा 08045163666। ये आप लोगों को अपने बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से डायल करना होगा। तो मैं यहाँ पर डायल करता हूँ और यहाँ पर आप लोग एक सेटअप करना होगा, सुनिए। अल्ट्रा कैश भीम वॉइस में आपका स्वागत है। अब आप किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, रिचार्ज करें अपने मोबाइल को या अपना अकाउंट बैलेंस चेक करें इसी कॉल में बड़ी आसानी से। पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक दबाएं, अपने अकाउंट की बकाया राशि की जांच करने के लिए दो दबाएं। तो मुझे पैसे ट्रांसफर करना तो एक दबा देता हूँ। हमने आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP भेज दिया है, आगे बढ़ने के लिए सेव कर देता हूँ। OTP दर्ज करें। तो OTP मेरे पास जो आया है तो मैं OTP दर्ज करूँगा। यहाँ पे ये OTP आया है 200951, मैं डाल देता हूँ 200951। ये यहाँ पे डलेगा 200951। OTP आगे बढ़ने के लिए कृपया OTP दर्ज करें। फिर डालता हूँ 200951। मोबाइल नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए एक दबाएं, खाता नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए दो दबाएं, मेन मेन्यू पर जाने के लिए स्टार्ट दबाएं। तो मैं मोबाइल नंबर से भेजूंगा तो एक दबा देता हूं, अगर आप लोग अकाउंट नंबर से भेजेंगे तो 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें जिन्हें आप पैसे भेजना चाहते हैं। तो मैं डाल देता हूं मोबाइल नंबर जिसके अकाउंट में पैसे भेजना चाहता हूं। वेट करेंगे आप। इस लाभार्थी संख्या से जुड़े कई खाते हैं, कृपया वह खाता चुनें जिसमें आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। यस बैंक को भेजने के लिए एक दबाएं, बैंक ऑफ इंडिया को भेजने के लिए दो दबाएं। मैं दो दबा देता हूं क्योंकि जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं 10 रुपए में डालूंगा। हमने आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP भेज दिया है, आगे बढ़ने के लिए कृपया OTP दर्ज करें। तो मेरे पास OTP आया है 6198997, में डालता हूँ 6198997। आप ट्रांसफर कर रहे हैं 10 रुपए मोनू सो प्रवीण सिंह को, कृपया 4 अंकों का UPI पिन दर्ज करें। आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट अंतिम अंक है 2 2, मैं डाल देता हूं ना। बहुत बढ़िया, आपका ट्रांजैक्शन सफल रहा। ट्रांजैक्शन डिटेल्स के साथ एक SMS आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। तो दोस्तों आपने देखा, ये जो हमारा पैसा ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, और इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं। और ये जो मेरे पास ट्रांजेक्शन का मैसेज भी आ चुका है, ये देख सकते हैं, योर UPI ट्रांजेक्शन 10 रुपये, UPI सक्सेसफुली। तो ये जो हमारा जो पैसा है वो सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना बिना नेट के आप लोग या ऑफलाइन अपना पैसा किसी को भी भेज सकते हैं,
ठीक है गाइस, अगर आप लोग को अपना ऑफलाइन के जरिए पैसा भेजने में किसी को यूपी के थ्रू कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलेगा, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस, ये फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को पता चल चुका होगा कि अगर आप लोग का अचानक से मोबाइल में इंटरनेट बंद हो जाता है या इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, तो अगर आप लोग को किसी को ट्रांजैक्शन करना है क्यूआर कोड से या आप लोग को मोबाइल नंबर से, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप लोग किसी को भी ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कैसे भेज सकते हैं। अगर आप लोग को बिना इंटरनेट कनेक्शन को किसी को भी पेमेंट भेजने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।